छिंदवाड़ा जिले के पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है, जहां करीब 40 लोगों ने परिवार पर हमला बोल दिया, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ माह पहले छिंदवाड़ा जिले के अनगोड़ी गांव में दोनों परिवार में विवाद हुआ था। हमले का मुख्य कारण पुरानी रंजिश बताया गया था। इस घटना में हरिशंकर चंद्रवंशी के परिवार पर सरिया एवं डंडों से हमला किया गया, जिसमें 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मारपीट की घटना पर पुलिस द्वारा एक्शन नहीं लेने से नाराज पीड़ितों ने SP को आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। 50 से 70 लोग थे गांव में, चिकल्लत हुई, डंडा से, तलवार से उनने वार किया और उनकी मोटरसाइकिल 4 जो फुटवाल के यहाँ जब्त किए थे, उसमें से एक मोटरसाइकिल 3 बजे रात को उन्होंने उठा कर दिया और पुलिस द्वारा भी हमारा कुछ मतलब समाधान नहीं था। अनगोड़ी थाना कुंडीपुर चौकी, तो कल रात में कुछ हमारे गांव के लड़के ने अज्ञात लोगों 50 से 70 लोगों को लेकर के आए और हमारे मोहल्ले पे धावा किए, तो जिसमें हमारे भाइयों को गंभीर चोटें आई हैं। तो इसको देखते हुए अभी पुलिस के द्वारा कोई राहत नहीं मिली हमको, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, डॉक्टरों द्वारा कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं मिला हमको, हमारे 2 पेशेंट को भी भर्ती नहीं किया गया है, सब बाहर परेशान हो रहे हैं और किसी प्रकार की हमको अभी राहत नहीं हुई। हम चाहते हैं कि हमारी यदि कोई मदद हो। मेरा नाम हरिशंकर चंद्रवंशी है, गांव अनगोड़ी का रहने वाला हूँ। कल रात को लगभग 10:30-11 बजे बहादुरलाल चंद्रवंशी के लड़के ने छिंदवाड़ा से 40-50 लड़के लेके आया और हम पे हमला करवाया है ना। उसमें कतल चंद्रवंशी, जानकी चंद्रवंशी और मोहित चंद्रवंशी, इन तीनों, ये तीनों भी थे और मेरा छोटा भाई श्याम चंद्रवंशी, सामने गणेश जी स्थापना है वहाँ सो रहा था, ये लोग गए उसको मोहित चंद्रवंशी ने और साहबलाल चंद्रवंशी ने जाके सर पे लट मारे, वो गंभीर रूप से घायल है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका सही इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी लापरवाही कर रहे हैं। पिछले बार 1.5 महीना पहले भी ऐसे ही हुआ था, महेश चंद्रवंशी को चाकू मारा गया था उन्हीं लड़कों के द्वारा, उस समय भी डॉक्टर की लापरवाही से, डॉक्टर की सांठगांठ से उसका सही प्रकरण नहीं बन पाया, चाकू मारा था और डॉक्टर ने सिद्ध कर दिया कि लकड़ी का घाव है, ऐसा कर रहे हैं, पुलिस भी लापरवाही कर रही है और डॉक्टर भी लापरवाही कर रहे हैं।